होगा, ये कोई तरीका नहीं है किसी के बच्चों को जान लेना इस तरह का। वो सीरियस है, मर जाए ना ट्रीटमेंट सही हो पाए वो अलग बात है, रास्ते में कहीं बिखर कर दो, लेकिन एक इंजेक्शन से किसी की जान ले लो यार, इस तरह गलत बात है। तुमको भी मरना है, मुझे भी मरना है, बिना इलाज की मर जाएगी, डेट आ जाएगी, लेकिन ये गलत तरीका है। आपके जिस दिए गए टैक्स से उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अरबों रुपए की दवा खरीदी जाती है, उसी टैक्स से बने अस्पताल में एक 9 महीने की बच्ची को दवा तक नसीब नहीं हुई है। पुरानी एक्सपायरी डेट की दवा लगाने के बाद एक नन्ही मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया है। तस्वीर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की है, जहां पर एक अस्पताल में खड़े शख्स श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी का कहना है कि उनकी बच्ची को अस्पताल में लाया गया तो वो ठीक थी, लेकिन अस्पताल वालों ने ऐसी इंजेक्शन को लगाया जिसके बाद बच्ची तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गई। चित्रकूट जिले के संयुक्त जिला चिकित्सालय में अपने डॉक्टर्स को ये बताते हुए कि जान की कीमत क्या है, धनेश श्रीवास्तव के पास सिर्फ अफसोस की तस्वीरें हैं। आप लोग ऊपर वाले के ऊपर, आप लोगों के ऊपर भरोसा करता है इंसान, चाहे था कुछ भी कह दीजिए आप, वही हम मानने के तैयार है, लेकिन मैं दवा उठा के देखता हूँ इसमें अप्रैल किस पर दवा ठोकने हैं आप लोग। वो उसी उत्तर प्रदेश के बाशिंदे हैं जहां पर मंत्री अस्पतालों में छापा मारते हैं, अस्पतालों का नल स्ट्रेचर और कुर्सी अगोरते हैं। उसी उत्तर प्रदेश में धनेश श्रीवास्तव की 9 महीने की बच्ची को डॉक्टर्स ने एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया, अच्छी भली बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सवाल इतने छोड़कर गई कि वो बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकारी व्यवस्थाओं का हाल कैसा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के संयुक्त जिला चिकित्सालय में 9 महीने की बच्ची को सर्दी और जुकाम की समस्या के बाद एडमिट किया गया था। धनेश श्रीवास्तव अपनी बच्ची को लेकर यहां पर आए थे, बच्ची की हालत सुधरने लगी तो उसे रात को लेकर अपने घर चले गए ताकि ठीक से देखभाल हो सके। लेकिन अगले दिन सुबह जब पहुंचे तो यहाँ डॉक्टर्स की मौजूदगी में एक वार्ड बॉय ने उस बच्ची को इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन ऐसा कि बच्ची की हालत बिगड़ गई। जब इंजेक्शन पर डेट्स देखी तो पता चला कि ये इंजेक्शन तो एक्सपायरी था। 8 महीने पहले एक्सपायर हुआ इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई, कुछ देर बाद वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन अब धनेश श्रीवास्तव और उनके परिवार के पास अफसोस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सवाल उतने ही उठाए जा रहे हैं जितने उठाने की ताकत है। अस्पताल में धनेश के परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, किसी का जाना तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अगर जान बीमारी से जाती तो संतोष रहता, अब तो इस बात का अफसोस जिंदगी भर रहेगा कि इस अस्पताल के अलावा कहीं और ले जाते तो शायद बच्ची बच जाती। मैं कल से देख रहा हूँ, कल से 10 मरीजों को इन्होंने हल्का हल्का के बेतमीजी से बात करके कर लोगों को भगा रहे हैं, यहाँ से बोर्ड बेड खाली करा रहे हैं, ठीक है चला जाए यहाँ से, की तरफ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेते मेरे कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे बच्चे की इन्होंने जान ले लिया सुबह सुबह, बहुत गलत हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनेश कुमार श्रीवास्तव है, बिटिया का शिवांगी श्रीवास्तव। कब भर्ती किया था? कल 1 दोपहर में भर्ती हुआ था। एसी अग्रवाल साहब ने इन्होंने आकर के देखा, उनकी ट्रीटमेंट, तनवीर साहब की ट्रीटमेंट, रात में एक डॉक्टर संतोष, इनके साथ में एक जो वार्ड बॉय है उसने जान ले लिया। डॉक्टर संतोष का इसमें कोई रोल नहीं रहा कि वो देखे कम से कम कि दवा एक्सपायर लगा रहा है, किसी की जान ले रहा है, कोई बीपी कितना है, ऑक्सीजन, कोई मतलब नहीं इसे, बट झाड़ने में रहते हैं चारों तरफ। पर सोचिए कि चित्रकूट से लखनऊ आने वाले सड़क पर जो बड़े बड़े काफिलों वाली सरकार चल रही है, उस सरकार की संवेदनशीलता कहाँ खत्म हो गई है। उसके जो अफसर माई बाप कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश के, जो डॉक्टर अस्पताल में आने वाले मरीजों को गालियां देकर अस्पताल के बाहर ढकेल देते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ बेड नहीं खाली है, यहाँ पर्ची नहीं बनेगी, यहाँ जांच नहीं होगी, उस उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स की संवेदनशीलता कहाँ खत्म हो गई है, सरकार की व्यवस्थाएं कैसे नहीं सुधर रही हैं, इसके बावजूद भी कि मंत्री जी छापा मारते नहीं थक रहे हैं, मरीज बनकर, तीमारदार बनकर, खुद डॉक्टर बनकर अस्पताल पहुंचते मंत्री जी के राज में ऐसी स्थिति हो गई है कि अस्पतालों में एक्सरे कागज पर छप रहे हैं। हालत यह है कि अस्पतालों में बच्चियों को एक्सपायर डेट का इंजेक्शन देने की नौबत आ रही है। सरकार हो सकता है इस घटना पर मुआवजा दे दे, 4-5 लाख रुपया देना सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सोचिए कि एक बच्ची का जीवन चला गया,
वो बच्ची अगर होती तो शायद देश की एक होनहार छात्रा होती, शायद देश के लिए कुछ अच्छा करती। ये सब जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो बताता है कि सरकारें हमारे और आपकी जिंदगी को कितनी कीमत में देखती हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।